अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आपके साथ लाए हैं एक नई रेसिपी। आज हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे चिकन ग्रीन कढ़ाई, जिसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले तो हमें चिकन चाहिए, उसके बाद ये हमारा दही है, ये सूखा धनिया है, ये काली मिर्च है, नमक है, गरम मसाला है, ये अदरक है, इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, ये जो है क्रीम है ओलपर्स की, और ये जो है हरा प्याज है। हरा प्याज और हमारा जो नॉर्मल जो प्याज होता है उसको हमने ग्राइंड किया है, ठीक है, ताकि जो है ग्रीन कढ़ाई की अच्छी से लुक आ सके। और ये हमारी हरी मिर्चें हैं जिसको हमने पीस लिया है, ये हमारा लहसुन है जिसे हमने पीस लिया है, ये हरी मिर्चें हैं, ठीक है जी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ कि हमने इसे बनाना कैसे है। तो जी, जो हमने चिकन ऐड किया, तो इस चिकन को सबसे पहले तो हम अच्छे से फ्राई करेंगे, बिल्कुल जो है हम इसे गोल्डन कर देंगे इस चिकन को इस ऑयल में, ताकि चिकन में किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल ना हो। तो पहले हम चिकन को ब्राउन करते हैं, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये चिकन जो हमने फ्राई की थी वो हमने अलग से निकाल ली है। अब हम इसमें डालने लगे हैं सबसे पहले वो पेस्ट जो हमने ग्रीन अनियन का बनाया था। तो जी, ये जो हमने इसमें ग्रीन अनियन डाली थी, देखिए ये किस तरह जो है ये ऑयल ऊपर भी आ रहा है, तो ये हमारी थोड़ा मज़ीद और अच्छे से जो है इसमें भुन जाए, तो फिर हम इसमें जो है वो लहसुन भी ऐड करेंगे और अपने बाकी के जो मसाले हैं गरम मसाला वगैरह वो भी इसमें ऐड करेंगे। कितना ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कि अच्छा लग रहा होगा काफ़ी। तो जी, हमारी प्याज जो है अच्छे से भुन चुकी है, अब हम इसमें जो है वो लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। बड़ी ज़बरदस्ती जो है वो खुशबू भी आ रही है मुझे, जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी आएगी। ज़रूर ट्राई किया करें मेरी रेसिपीज। तो जी, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें जो है वो अपने मसाले ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जी, अब जो हमारी पिसी हुई हरी मिर्च है हम इसमें वो ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे भी। अब हम इसे अच्छे से जो है भून लेंगे। देखिए, थोड़ी सी ये जो ग्रीनिश सी लुक आ रही है हमारी, बिकॉज हम ग्रीन कढ़ाई बना रहे हैं। तो जी, अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं दही। कितनी ज़बरदस्त ये लुक आ रही है आप लोग देख सकते हैं। हमने चिकन को ज़्यादा नहीं गलाना है। दही के बाद हमने इसमें बिल्कुल आधा ग्लास थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि हमारी चिकन जो है थोड़ी सी पक जाए, और क्रीम हम बिल्कुल एंड में इसमें डालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पानी सूख जाए 5 से 7 मिनट में, फिर हम आपको इसका व्यू दिखाते हैं और फिर हम आपके साथ मिलकर इसमें क्रीम ऐड करेंगे। तो जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, इसे मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। बिल्कुल दही में जो पानी था वो सब सूख चुका है, और जो पानी हमने इसमें ऐड किया था वो भी सूख चुका है। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये कढ़ाई हमारी, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा रही हूँ। अब हम इसमें फाइनली ऐड करने लगे हैं अपनी क्रीम। तो अब हम इसमें अपनी क्रीम ऐड करेंगे, आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी है।
को क्रीम ऐड कर दी है, ओल्ड पर्स की जो क्रीम थी, तो मैं इसे अभी अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो फाइनल लुक है वो क्या है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बड़ी ज़बरदस्ती जो है हमारी कढ़ाई बनके रेडी हो गई है। अब हम इसे जो है मैक्सिमम 5 मिनट हम इसे धीमी आंच पर रखेंगे ताकि थोड़ा सा जो है इसका ऑयल निकल जाए, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी क्रीमी सी जूसी सी जो है हमारी कढ़ाई बनके रेडी हो गई है। तो जी आप लोग देख सकते हैं हमारी जो कढ़ाई थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कितनी जो है ये ज़बरदस्त लग रही है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।